साथियों नमस्कार सभी को। अभी पता चला है कि पानीपत से पहले घरोंडा और मधुबन के बीच में हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान काटे जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग भी है उससे और विशेषकर है बस लेन से बाहर। तो अभी अभी 3 बसों के चालान कटे हैं। साथियों सबसे पहले तो अपील करता हूं कि आप अपनी लाइन में रहें, जो बस लेन है उसमें ही रहें और ओवर स्पीडिंग ना करें, जो हाईवे की स्पीडिंग है वही करें। और बड़े दुख की बात है साथियों कि एक जो मामला वर्सेज का बनाया था उसमें मैंने पहले भी 2-3 वीडियो डाली थी और सभी साथियों से, पुलिस डिपार्टमेंट से भी और रोडवेज से भी अपील की थी कि आपस में एक दूसरे का तालमेल बना के रखें। लेकिन कुछ साथी जो हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, उनको शायद वो बात अच्छी नहीं लगी और शायद वो SHO मधुबन हैं, कौन है वहाँ चालान काट रहे हैं। बहुत दुख की बात है साथियों, इस प्रकार तो खैस्तान बहुत बढ़ जाएगी। मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ, जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथी हैं वो उनको समझाएं कि इस प्रकार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कानून की पालना करना, मैं भी कहता हूँ कि कानून की पालना करें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो एक दूसरे का तालमेल जो है वो बना के रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है सोचने की साथियों कि द्वेष भावना से ये प्रेरित ये कार्रवाई मेरे हिसाब से की जा रही है, क्योंकि अभी ताज़ा मामला था। अगर ये ना होता और फिर चालान कटते तो मन में ना भी आती, लेकिन अभी ये ताज़ा तरीन मामला था वर्सेज का और उसके साथ ही वहाँ चालान काटने शुरू कर दिए, तो ये तो बहुत गलत है साथियों।